अजमेर लोकसभा से सांसद भागीरथ चौधरी ने हरियाणा प्रवास के दौरान गुरु कमल भाजपा जिला कार्यालय गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान हरियाणा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने अजमेर सांसद और राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी का माला गुलदस्ता एवं भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी को मिलकर विकसित राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाना है। यह चुनाव असाधारण चुनाव है। यह चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। यह चुनाव देश के विकास को निरंतर प्रगतिरत रखने का चुनाव है। यह चुनाव हमारी धार्मिक आस्था सौहार्द को कायम रखने का चुनाव है। यह चुनाव विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ऐतिहासिक विकास कार्य एवं जनमानस के उत्थान को आगे बढ़ाने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक लोकसभा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजना है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने कहा कि आपका एक वोट भारत की प्रगति, सर्वांगीण विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप स्वयं तो वोट करें ही, अन्य 10 व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय हित में भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने हेतु प्रेरित करें। इस दौरान हरियाणा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, हरियाणा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दांगी, हरियाणा संगठन महामंत्री फणेन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश मंत्री सुरेंद्र पूनिया, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्वास दिलाऊं कि आप गुरुग्राम से तो आप 8 लाख के पार जीतोगे, हरियाणा के 10 में 10 सीटों का जीतोगे। मुट्ठी बांध के भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठी मोबाइल बात में पहले मुट्ठी बांध करके हाथ खड़े करके भारत माता की जय, वंदे मातरम्। चपा 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 किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, या मोर्चा, सभी नेता।